चलो क्वेश्चन लिखो। नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर सच दैट इसकी जो चार्ज डेंसिटी दैट इज इक्वल टू रो नॉट इनटू आर, इसकी रेडियस है कैपिटल आर, रो नॉट इज ए कांस्टेंट और आर मैंने बताई दिया क्या है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। इस बार चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, वो डिस्टेंस के साथ बढ़ती जा रही है, ये फॉर्मूला फॉलो कर रही है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ इंटीग्रेशन का है, करो जल्दी से। देखो क्या करें भाई, गॉसियन सरफेस मान लो, लगा देते हैं, ई वेक्टर बाहर की तरफ है, डी ए वेक्टर भी बाहर की तरफ है, इंटीग्रेंट ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर क्या होता है, क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये तुम्हारा आ गया ई फोर पाई आर स्क्वायर। क्यू एनक्लोज निकालना है, दिक्कत क्या है, सिर्फ क्यू एनक्लोज निकालना है, अगर तुमने वो निकाल लिया क्वेश्चन ख़त्म। क्यू एनक्लोज कैसे निकालें इसके अंदर, क्योंकि चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है, तो क्या करते हैं यहाँ से किसी x डिस्टेंस पे dx विड्थ की एक स्फेरिकल शेल मान लेता हूँ, x डिस्टेंस पे dx विड्थ की स्फेरिकल शेल मानते हैं, इसमें कितना चार्ज होगा, इसमें जो चार्ज है वो dq है, वो क्या हो जाएगा रो इंटू डी वी, दैट इज इक्वल टू रो इंटू फोर पाई एक्स स्क्वायर dx, तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा रो फोर पाई इंटीग्रेंट एक्स स्क्वायर dx, लिमिट जीरो से स्मॉल आर तक, क्योंकि इसके अंदर निकालना है ना तुम्हें चार्ज, जीरो से स्मॉल आर तक, तो क्यू तुम्हारा आ जाएगा रो फोर पाई एक्स क्यूब बाई थ्री आर क्यूब बाय थ्री, ये तो कुछ गड़बड़ कर दी फिर, अच्छा रो बे रो नॉट आर है ना, ये तो वही आ गया फिर, रो तुम्हारा क्या है रो नॉट इंटू एक्स, यहाँ पे रो नॉट इंटू एक्स लिखोगे समझो, आर नहीं लिखोगे एक्स लिखोगे भाई, ये आर क्या बता रहे, डिस्टेंस बता रहा था ना सेंटर से, यहाँ पर तो डिस्टेंस एक्स है, तो रो क्या लिखोगे रो नॉट इंटू एक्स, तो एक एक्स और अंदर चला गया तो एक्स क्यूब हो गया, तो क्यू इक्वल टू रो नॉट इंटू फोर पाए एक्स पावर फोर बाई फोर आर पावर फोर बाय फोर, ये तुम्हारा आ गया, तो क्यू एनक्लोज कितना मिल गया हमको रो नॉट इंटू पाई आर पावर फोर, खत्म क्वेश्चन, यहाँ तो सब सेम ही है, ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर इक्वल टू रो नॉट पाई आर पावर फोर बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तुम्हारी रो नॉट आर स्क्वायर बाय फोर एप्सिलॉन नॉट, फर्क बस क्यू एनक्लोज निकालने में आ गया ना, इंटीग्रेशन करके तुम्हें क्यू एनक्लोज निकालना पड़ा, बाकी सब कुछ सेम है।